was a very nice session, very informative, and kids have participated very enthusiastically. Yeah, we believe that they are going to follow whatever ma'am has suggested them. Thank you, Shippi ma'am. It was really helpful. We'll definitely look after the diets and nutrition for our kids and follow your tips. Dr. Shippi, for guiding us as a parent and as a doctor. मैं खुद बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर के, उनके ग्रोथ को लेकर के. आपके साथ जो आज का इंटरेक्शन हुआ उससे हम लोगों को बहुत सारी हमारी क्वेरीज सॉल्व हुई है. इनफैक्ट बच्चों को डायरेक्टली आपने जितने अच्छे से गाइड किया है रिगार्डिंग जंक फूड, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मुझे लगता है बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया. थैंक यू सो मच मैम. बहुत अच्छे से बताई कैसे कैसे खाना चाहिए, हेल्दी फूड, जंक फूड के बारे में अच्छे से बताई मैम ने. बहुत हेल्पफुल था मैम. बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई कि जैसे बच्चे लोगों को क्रिएटिव तरीके से खाना खिलाना चाहिए जिससे वो लोग और खाना खाए, उनको हर एक काम में इन्वॉल्व करना चाहिए खाना खाने पे. I would like to request principal sir to present flowers to Shilpi Goel ma'am. गोल गोल लाल लाल प्याज मैं कहलाऊं, ताकत है इतनी कि सबको रुलाऊं, सब्जी की महक बढ़ाऊं, इसलिए तो मैं इतना हूं. डोंट टेक स्ट्रेस, तनाव से बचे और हमेशा नींद पूरी करें. बच्चों के लिए एक बार हम लोग सब बहुत जोर से ताली बजा देते हैं. और इतनी वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी के साथ सर ने जो आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ युगांतर फैमिली. थैंक यू सो मच सर. और जो चेयरमैन सर हैं, जब उनके साथ मैं बैठी हुई थी तो उनके कुछ कंसर्न्स थे जो मैंने सुने, और मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि उनका ये विजन है कि बच्चे हेल्दी ईटिंग की तरफ आगे आएं, और उसके लिए हम पेरेंट्स को अवेयर करें. और उनके मन में जो चीफ कंसर्न्स थे वो ये थे कि बच्चे सॉल्ट बहुत ज़्यादा डालने लगे खाने में. इतनी बारीकी से अगर चेयरमैन सर को पता है तो आई थिंक आप लोग सब लकी हैं कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पैकेट फूड की तरफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और जो घर के हेल्दी फूड हुआ करते थे, जो पहले हम लोग घर में अचार पापड़ भुजिया ये सब प्रिपेयर करते थे, उनको छोड़कर आजकल हम पैकेज फूड की तरफ जा रहे हैं जिसमें बहुत ही लो क्वालिटी के ऑयल्स और वनस्पति ऑयल और इस तरह की चीज़ें मिली रहती हैं जो ट्रांस फैट होते हैं जिनमें, और जिससे हमारे बच्चों के बौद्धिक विकास में भी दिक्कतें आ रही हैं. मतलब मेंटली भी वो बच्चे लेथार्जिक हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं. जैसे कि सर बता रहे थे कि आज के दैनिक भास्कर में जो आए हैं कि जो कलर्स यूज होते हैं बच्चों के लिए वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं. तो उनका ये प्रयास कि आज पेरेंट्स को ये बात पता चले, पेरेंट्स अवेयर हो जाएं, और उन्होंने जैसा कि अपने वेलकम नोट में कहा कि अगर 5% भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए आज की टॉक के बाद तो ये सेशन फ्रूटफुल हो जाएगा. आई थिंक दिस इज माइंड ब्लोइंग. मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस लाइफ का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रह गया है आज की बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हुए. और आज का ये जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, और बहुत कम लोग हैं, बहुत स्कूल की ऐसी कम अथॉरिटीज हैं जो इस तरह की इनिशिएटिव लेती है. आई रियली आई एम ग्लैड दैट दिस स्कूल इज टेकिंग सच अ नाइस इनिशिएटिव. तो थैंक यू वेरी मच. तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मिक्स ग्रुप है, और आई थिंक बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी उससे मुझे ये तो समझ आया कि बच्चों के पास नॉलेज भरपूर है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हम लोग थोड़े थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं. तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, कुछ दो बच्चे बताएं और कुछ दो पेरेंट्स बताएं. इनफैक्ट मैं ये भी चाहती थी कि सारे पेरेंट्स एक तरफ आ जाएं और सारे बच्चे एक तरफ आ जाएं, ताकि मेरे को एक क्लियर पिक्चर दिखे, हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स अलग अलग मुझे दिखे. तो क्या हम ये कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है. चाहेगा कि हम लोग जो जानते हैं हम कर क्यों नहीं पाते, ये बात तो पक्की है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग कर नहीं पाते हैं कंट्रोल. चिप्स कितने बच्चे खाते हैं, हाथ उठाओ. हाँ देखो कितने सारे हाथ उठ गए.
अभी 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 यही बच्चे अभी बोल रहे थे ना कि चिप्स खाने से बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आप लोग को पता होने के बाद भी आप लोग क्यों खाते हो, क्या कारण है? माइक कोई देगा क्या बच्चों के पास? हाँ बताओ, आगे आ जाओ। यस, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रीजन पे। हाँ, पीछे एक बच्चा बोलना चाहता है। Because of the, it is very tasty and we can't control ourselves to eat that. बिल्कुल, इन्होंने reply बता दिया। ये जितने भी हम एक बार इसमें discuss कर लेते हैं, फिर हम parents में आएंगे। ये जितने भी commercials होते हैं, advertisements होते हैं और जो packet में food आते हैं, वो इनके formula को निकालने के लिए कई सालों की research करते हैं। वो फैट शुगर और फैट शुगर और ऑयल का ऐसा कॉम्बिनेशन डिजाइन करते हैं जो जीप में जाते ही प्लेजर सेंटर को अटैक करती है और उसकी एडिक्शन हो जाती है, वो एडिक्टिव हो जाती है वो चीज़ें। आप खुद देखिएगा, आप एक पीस चिप्स खा लीजिए और उन लोग जो लिखते हैं ना टैग लाइन, नो वन कैन ईट जस्ट वन, वो सही होती है। आई थिंक चेयरमैन सर भी हमारी इस बात से एग्री करेंगे, वो भी सुबह यही बात बोल रहे थे कि no one can eat just one, sir, no one can eat just one, वो भी बोल रहे थे कि लोग कुछ इस तरह की formula use करते हैं कि आप खा कर दोबारा से खाएंगे। आप बता रहे थे मैम कि flight में उन्होंने कुछ खाया और फिर उनको लगा कि भूख हुई नहीं बल्कि भूख उकसा जाती है उससे। तो हमको aware रहना है कि ये जो dangerous fact है कि उनका addictive nature होता है, जितने भी junk food होते हैं ना, तो बच्चों को ये बात जाननी पड़ेगी कि जो चीज टेस्टी होती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो। बाहर कितने के खाना खाते हो तो बहुत ही बड़ा डेंजर काम होता है। आपकी बॉडी के अंदर एक अलार्म होता है जो आपको ये बताता है कि आपका पेट भर गया। वो अलार्म केवल बच्चों में होता है, बड़ों का खराब हो चुका, बड़ों को पता ही नहीं चलता कि उनका पेट कब भर गया है ना। तो ये अलार्म बच्चों को बताता है कि इनका पेट भर गया। और आप देखिएगा, आप जब बच्चों को खिलाते हो तो बच्चा बता देता है कि मुझे नहीं खाना। ये अलार्म बच्चा पैदाइशी लेकर आता है। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते थे तो वो अपने आप छोड़ देता था, उसके बाद वो एक सिप में और नहीं लेगा और एक लेगा ही नहीं वो। तो ये बच्चों में इनबिल्ट बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि बच्चे का पेट भर गया और हम लोग क्या करते हैं, नहीं, मुंह को खोलते हैं और ठूसते हैं, उसके अलार्म को खराब कर देते हैं। दो कारणों से उसका अलार्म खराब होएगा, एक तो ओवर फीडिंग, बच्चे को आंख दिखा दिखा के जो हम लोग फीड कराते हैं वो, और दूसरा वो खराब होएगा जब बच्चे टीवी देख के या मोबाइल पे ध्यान देके या उनकी सेंसर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होएंगे तब वो खाएंगे तब। अभी क्या है कि बच्चे एक जगह बैठ नहीं सकते, हम क्या चाहते हैं कि वो एक जगह बैठ के खाएं, इसलिए हम मोबाइल टीवी पकड़ा देते हैं। लेकिन बच्चे को दौड़ने दीजिए ना, बच्चा दौड़ के वहीं आएगा आपके पास खाने, क्योंकि वो भूखा है तो वो आएगा। अगर वो भूखा नहीं है तो उसको खिलाने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि हमारे बच्चे मैडम कुछ खाते ही नहीं है, अगर आप दिन भर उनके पीछे ना पड़े तो वो कुछ खाते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शुरू के कुछ ईयर होते हैं, खास करके जो बच्चे प्री स्कूलर्स होते हैं, यानी कि 2 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे, इन लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। इन लोगों का ब्रेन इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है जैसे कोई साइंटिस्ट ब्रेन होता है ना वैसा। तो इन लोगों को चीजों को एक्सप्लोर करना है, तो इन लोगों को फूड में इंटरेस्ट नहीं है और सही मायने में उनको फूड की नीड भी ज्यादा नहीं रहती है। भगवान ने उनकी बॉडी ऐसे डिजाइन की है कि उस समय फिजिकल ग्रोथ ज्यादा नहीं होती। आप देखिएगा कि 2 से 6 साल के बच्चों को वही कपड़े आते रहते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते वो लोग। उसके बाद एक बार तेजी से ग्रोथ होती है जब एडोलेसेंट और टीनेज में जाने वाले रहते हैं, तो उस समय फिजिकल ग्रोथ पे इतना फोकस भगवान ने भी नहीं रखा है क्योंकि उस समय मेंटल ग्रोथ होता है। तो उस समय इन लोग हर चीज को छूना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो एक जगह पे बैठेंगे नहीं क्योंकि उनकी माइंड डिजाइंड है। और आप क्या बोलते हैं, नहीं तो एक जगह पे बैठ और जंक दे जिसमें ब्रेन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और फिर खिलाते हैं तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी खराब हो जाए। आपको इनका ग्लास या बॉटल अट्रैक्टिव सी फिक्स कर देना है और इनके रीच में रखना है। ये आके मांगेंगे नहीं क्योंकि ये तो बहुत बिजी है, तो साइंटिस्ट है, ये तो निकल गए दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। आप इनकी साइंटिस्ट वाली नेचर को भंग ना करें। अगर बच्चा किसी चीज में इन्वॉल्व है, इनग्रॉस है, उस समय उसको फोर्स ना करें कि तू खा खा खा, खाना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप लोगों को लगता है कि कितना उनको
इतना उनको विटामिन दे दूं। मैंने देखा है ऐसे पेरेंट्स को जो आके बोलते हैं मैम मैंने बच्चे का टाइम टेबल एकदम मिक्स करके रखा है, पूछ के मैं उसको चार बादाम खिलाती हूँ, फिर मैं उसको दूध पिलाती हूँ, फिर मैं उसको फ्रूट्स खिलाती हूँ। मैंने कहा आप क्या क्या करते हैं? मैडम मेरे को जब टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ। तो क्या होता है कि बच्चे वो आपको देखते हैं, बच्चा देखता है कि माँ क्या खा रही है, माँ तो लेके बैठी पराठा और चाय और अचार, माँ क्या लेके बैठी है पराठा अचार और अचार, बच्चे को देख रहा है वो चाय को पी रही है माँ बड़े टेस्ट ले लेके, तो बोलते हैं माँ मुझे भी चाय, नहीं मुझे वो जूस पीना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चों से कुछ और स्टैंडर्ड पे डील कर रहे हो, अपने लिए कुछ और स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। आप आज बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से, यार गोलगप्पे वहां वाले खाए हैं, आज तो मैं रायपुर जाके वहां का पिज्जा खाऊंगी डोमिनोज का, आज वीकेंड है आज तो हम लोग को जाना ही है रायपुर। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि पिज्जा इज वेरी टेस्टी चीज, और फिर हम उनको डांटते हैं इतना पिज्जा मत खाओ, इतनी बर्गर मत खाओ। तो बच्चे केवल कॉपी कैट्स हैं, बच्चे केवल कॉपी कैट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को देख के सेम टू सेम कॉपी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हरी सब्जियां खाए, अप्रिशिएट करे, मेरा बच्चा नट्स खाए, मेरा बच्चा ये खाए, तो आप खुद खाना शुरू कर दीजिए। आप खाएंगे ना तो उसमें से बच्चा भी खा लेगा। अगर आप स्प्राउट्स खाएंगे मॉर्निंग में तो बच्चा भी मांग लेगा, उसको लगेगा कुछ बहुत ही अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, बच्चों को ना पिकअप करके खाने वाली चीजें बहुत पसंद आती है, तो आप क्या करें कि चीजों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दीजिए, उनका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दीजिए। बहुत सारे टिप्स हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ, मे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहली चीज, बच्चों को खाने में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनको कुकिंग में और शॉपिंग में इन्वॉल्व करिए। जब बच्चा आपके साथ शॉपिंग में जाएगा तो आप बोलना कौन सी वाली ग्रीन वेजिटेबल मुझे पसंद आ रही है, मान लो उसने ककड़ी उठाई, भिंडी उठाई, करेला उठाया, परवल उठाया, तो उसको बताइए वो क्या है। और जब घर आते हैं तो उनको छिलवाइए, उसको धुलवाइए पहले, तो उसको छुएगा, देखेगा, वॉश करेगा, फिर काटेगा, फिर बनते समय उसको चढ़ा दीजिए चेयर पे और दिखाइए कैसे बनता है, और फिर बोलिए तूने बनाया खा के दे। तो बच्चे को जब भी आप इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ कुकिंग में, अपने साथ जब उसको उसका पार्ट बनाएंगे तो फूड उसका हिस्सा बन जाएगा। और गैजेट्स देख के बिल्कुल भी नहीं खाने दीजिए बच्चों को, बच्चों के पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए खाते समय। हाँ ये बात फिक्स है कि बच्चे बैठेंगे नहीं, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो बैठेंगे नहीं, तो वो दौड़ने दीजिए उनको, दौड़ के वापस आ जाएंगे। या फिर मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप स्टोरी सुनाते हुए उनको खिला सकते हैं। स्टोरी सुनाने से भी बच्चे इमेजिनेशन में एक जगह बैठ जाते हैं, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आई वांट टू आस्क, इन केस वी वांट टू मेक फूड हेल्दी सॉरी टेस्टी, सो ईदर वी डीप फ्राइड मिक्स सॉस, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आई वांट टू नो, आई वांट सॉल्यूशन फ्रॉम यू। यस, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि जब हम चीजों को डीप फ्राई करते हैं या उसमें सॉसेस डालते हैं तब वो टेस्टी होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 200 रेसिपीज ऐसी बनाई हैं जो न केवल हेल्दी है, अट्रैक्टिव है, बल्कि टेस्टी भी है। तो मैं आपको वही बताने वाली थी कि कोई भी चीज को अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाने के लिए क्या करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारी सब्जियों को मिक्सी में पीस सकते हैं और पीसने के उसका पेस्ट रेडी होता है। अगर वो बहुत गीला है तो उसको निचोड़ के उसका पानी को पी जाइए, मिला दीजिए। अगर वो ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा आटा डालिए बाइंडिंग के लिए, उसके कटलेट्स तैयार हो जाते हैं। अलग अलग सब्जियों के कटलेट बनते हैं, उसको तवे पे आप सेक के बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बच्चों को कुछ भी ऐसी चीजें अच्छी लगती है जो वो पिक करके खा सके, तो पिकअप स्नैक्स उनको बहुत पसंद आते हैं। तो आप छोटे छोटे उनको हरा भरा कबाब जैसे दे दीजिए और टूथपिक दे दीजिए, वो खा लेंगे। पिज्जा हम लोग बच्चों को बहुत पसंद आता है, हम लोग ने रोटी पिज्जा बनाया है। मेरी यूट्यूब पे चैनल है डाइटिशियन शिल्पी गोयल के नाम से, उसमें हम बहुत सारी रेसिपीज को अपलोड करते रहते हैं, बाकी बहुत सारी चीज है जो क्लाइंट्स के लिए रिसोर्सेज रेडी किए हुए हैं। तो रोटी पिज्जा आपको पता है कि नॉर्मल पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी लगता है। यू नो दैट राइट, थिन क्रस्ट। लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं, आज पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं, लेकिन वो सब वो बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। वो खुद आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं और बच्चों को बोलते हैं तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, तुमको आइसक्रीम खाना अलाउड नहीं है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड मत करिए प्लीज। एक चीज जिससे पेरेंट्स को बच्चों को बचाना है और अपने आप को भी बचाना है, वो है शुगर। और शुगर का मतलब केवल वो शुगर नहीं होता जो व्हाइट कलर की आपको दिखती है, पैकेज फूड में भी शुगर डलती है, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर होता है। उसको बोलते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। आई थिंक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है वो आपको पैकेट में लिखता है, आप उसको पढ़ के समझ के नहीं पाते कि शुगर का फॉर्म है।
and this is so dangerous for kids development.